लोग काफी दिन बाद आ रहे हैं और आज हम एक ही रूम में हैं और एक ही रूम का जो हमारा ये कंडेंसर है फीड करेंगे। ये देखा इसका जो सेट इसका कंडेंसर है, ये मतलब ये जो लाइन है ये मतलब ये दो लाइन है, अभी नीचे से सी वाटर पर बंद किया हुआ है, ए सी बंद है, तो ये फीड करेंगे इसको कंडेंसर को, क्योंकि टेम्परेचर थोड़ा जो डिस्चार्ज प्रेशर है वो बढ़ रहा है, तो ये इसको फीड करेंगे इसको खोलने के बाद, फिर जब इसको ओपन करेंगे तब दिखाएंगे आपको। सी वाटर से कितना गंदा हो रहा है, अब इसको साफ करेंगे इसलिए डिस्चार्ज प्रेशर बढ़ता है। ये हमारे फोर्स ऑफ कंडेंसर को क्लीन कर रहे हैं, देखो थोड़ा सा पाउडर लगाया केमिकल तो और अच्छा क्लीन हो जाएगा। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। ये देखो अभी कंडेंसर क्लीन ही चल रहा है, बहुत मेहनत लगती है इसको साफ करने में, तब जाके एसी कूलिंग सही होती है, टेम्परेचर मेंटेन रहता है, फिर वो डिस्चार्ज प्रेशर भी कर रहे हैं। आप देख रहे हो हमारी इंजीनियरिंग ऐसी ब्लॉग आता रहेगा हमारा, थोड़ा सा हमारी वीडियो को देखें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो सही लगे या कुछ भी कोई बात पूछनी है तो मेल करें, डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी दी हुई है। ब्रश से साफ करने के बाद अभी वाटर से साफ करें कंडेंसर को, पूरा क्लीन हो जाएगा। क्लीन कर दिया था, उसके बाद अभी पंप स्टार्ट करके और एसी स्टार्ट किया है। अब देखो डिस्चार्ज प्रेशर 12 है और सक्शन प्रेशर 3.5, ल्यूब ऑयल प्रेशर 5.6 है, टेम्परेचर 29 है और 27 पे
कट ऑफ कर देता है 27 पे, ये हमारा एसी कट ऑफ कर देता है, और अभी 29 टेम्परेचर से, तो अभी हमने क्लीन किया था तो इसलिए बढ़ गया थोड़ा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।